हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी पढ़ा जा रहा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांत्यता। तो मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है इसके पहले के दो वीडियो में। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी बेसिक बातें इस चैप्टर की बताई थी। यदि आपने अभी तक नहीं समझी है तो समझ सकते हो, दोनों क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से आप देख सकते हो। और आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतने क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। और एक बात बता दें, अपने दिमाग में सोच लीजिए कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन लगाना बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है। बस आप क्लास को देखिएगा, भी देखना कितने सरल क्वेश्चन आपको लगेंगे कि कंटिन्यूटी बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बस यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन को हमने नोट किया है। तो यहाँ पर निर्देश में बताया जा रहा है कि फलन के सभी आसंतत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कि किस बिंदु पर फलन आसंतत्व है। और इन्होंने बोला कि जबकि फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो फलन इस प्रकार से परिभाषित है। आप देखिए भाई, यहाँ पर मैंने एक लाइन अभी लिखी है, ठीक है। ये कैसे लिखी गई मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि फलन की वैल्यू मॉड एक्स प्लस 3 के बराबर होगी जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि फलन की वैल्यू माइनस 2x के बराबर होगी यदि x, यहाँ पर देखिए दो बातें लिखी, x ग्रेटर देन माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3 की बात हो गई खत्म। यहाँ पर x लेस देन माइनस 3 है और यहाँ पर x ग्रेटर देन माइनस 3 है, मतलब माइनस 3 से कम वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा वो ये ले जाएगा, ठीक है। और बराबर के लिए भी यही फंक्शन ले जाएगा क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह लगा है। और यहाँ पर लिखा x ग्रेटर देन माइनस 3, यानी x बराबर माइनस 3 पर जब हम चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपका माइनस का 2x लिया जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन है। यानी माइनस 3 पर, x बराबर माइनस 3 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसके बाद देखिए और आगे क्या बताया जा रहा है, एक्स लेस देन 3 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कहने का मतलब यहाँ पर आपकी परिभाषा ब्रेक हुई, यानी एक्स बराबर 3 पर आपको फलन दिया गया है, और मतलब जब x की वैल्यू क्या हो 3 से कम हो, क्योंकि यहाँ पर लेस देन के चिन्ह लगा है, और x बराबर 3 पर जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो तब फलन दिया गया है, और x की वैल्यू जब 3 के बराबर इक्वल टू का चिन्ह लगा तब फलन दिया गया है। यानी x बराबर 3 पर भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर दो बिंदु मिले, x बराबर माइनस 3, x बराबर 3, दोनों पर आपको सांतत्य चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको मॉड एक्स की परिभाषा बताई थी कि मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स कब होगी, जब लेस देन का चिन्ह होगा। यहाँ पर देखिए लेस देन लगा था, लेस देन माइनस 3, इसका मतलब ये जो मॉड एक्स होगा वो माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा प्लस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। क्योंकि मॉड एक्स की परिभाषा से ये होती है भाई, मॉड एक्स की परिभाषा ये होती है, मॉड एक्स की परिभाषा ये होती है कि मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू लेस होगी जो भी आपको लिमिट दी जाएगी, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी जो आपको लिमिट दी जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर लेस देन का चिन्ह लगा था इसलिए मैंने क्या किया है, मॉड एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में, कल की क्लास देखा होगा तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम पहले एक्स बराबर माइनस 3 पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो एक्स बराबर माइनस 3 पर, एक्स बराबर माइनस 3 पर देखा जाए तो फलन आपका कितना है, फलन आपका ये है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर फलन आपका दिया गया है माइनस एक्स प्लस का 3। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम उस लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करते हैं, यानी x के स्थान पर माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस लगा, x के स्थान पर माइनस 3 पुट करेंगे प्लस का 3, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, आप परिभाषा में देखिए, एक्स बराबर माइनस 3 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक्स लेस देन माइनस 3 है, इसका मतलब फंक्शन आपका कितना होगा, फंक्शन आपका ये होगा, ये नहीं रखना भाई क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन के लिए माइनस एक्स होती है, तो फंक्शन तो आपका यही रहेगा, फंक्शन कौन सा रहेगा भाई, माइनस एक्स प्लस का 3 रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेन टू माइनस 3 लिखेंगे और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस 3 से हल्की कम वैल्यू पर हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है, फंक्शन कौन सा रहेगा आपका, माइनस का एक्स प्लस का 3। जैसे ही आप यहाँ पर माइनस का 3 रखोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। फिर आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, पहले ये देखिए, एक्स की वैल्यू माइनस 3 से ग्रेटर है मतलब 3 से बड़ी है तब फंक्शन आपका माइनस का 2x है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू 3 प्लस के लिए, ठीक है, माइनस 3 प्लस के लिए क्योंकि एक्स बराबर माइनस 3, और फंक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई देखिए, लिमिट एक्स टेन टू माइनस 3 प्लस, ठीक है, ग्रेटर देन में यहाँ पर प्लस लगाते हैं मतलब माइनस 3 से हल्की बड़ी वैल्यू पर, फंक्शन यहाँ पर कितना है माइनस 3 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए, माइनस का 2x,
और जैसे ही x के स्थान पर माइनस थ्री पुट करोगे तो ये माइनस थ्री और माइनस टू का गुणा हो जाएगा प्लस का सिक्स, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिल रही है कि जो फलन की वैल्यू आई है f माइनस थ्री की वैल्यू आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, जिस वजह से हम ये कहेंगे कि ये फलन जो है क्या है आपका संतत है, यानी x बराबर माइनस तीन पर फलन हमारा क्या होगा संतत होगा यानी असतत नहीं होगा। फिर यहाँ पर आगे परिभाषा ब्रेक हो रही थी कि तीन पर, यानी x बराबर हम तीन पर क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन देखेंगे, तो x इक्वल टू थ्री यहाँ पर है, इसका मतलब इसके सामने फंक्शन ये है, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस का टू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर क्या करेंगे हम इस x बराबर तीन पर इस फलन की वैल्यू को प्राप्त करेंगे पहले स्टेप में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ थ्री, ये सिक्स थ्री प्लस टू, यहाँ पर देखिए छः त्रिक अट्ठारह दो कितना हो जाएगा भाई बीस हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा देखिए, एक्स लेस देन थ्री कहाँ यहाँ पर है, इसके सामने फंक्शन क्या है माइनस का टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू थ्री माइनस, और ये फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू थ्री माइनस, फंक्शन एक्स लेस देन थ्री के लिए आपका माइनस का टू एक्स है, तो माइनस का टू एक्स, जैसे एक्स के स्थान पर आप थ्री पुट करोगे थ्री का गुणा माइनस टू से हो जाएगा, तो ये माइनस सिक्स हो जाएगा। फिर आप अगले स्टेप में क्या करते हो राइट हैंड लिमिट को प्राप्त करते हो, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू थ्री प्लस, और फंक्शन देखिए भाई ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू थ्री प्लस फंक्शन एफ एक्स, देखिए एक्स की वैल्यू जब थ्री से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हो सिक्स एक्स प्लस टू, एक्स ग्रेटर देन थ्री, यानी ये आपका हो जाएगा फंक्शन सिक्स एक्स प्लस टू, और जैसे ही आप एक्स के स्थान पर थ्री पुट करोगे तो छः त्रिक अट्ठारह, अट्ठारह दो कितना हो जाएगा भाई बीस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू आई है एक्स बराबर तीन पर और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है आप देख सकते हो ये कोई भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, फंक्शन की वैल्यू जो आई है वो राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है, ये तो इसके बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर यहाँ पर देख सकते हो नहीं है, इसलिए एक्स बराबर तीन पर फलन असतत होगा। क्या होगा भाई असतत होगा, बताइए कोई प्रॉब्लम? ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और देखिए मैंने कितनी इजी तरीके से आपको समझा दिया, अभी भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो जरूर आप देख लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप पिछले वीडियो में देखोगे बेसिक बातें नहीं जानोगे कंटिन्यूटी चैप्टर समझ में नहीं आ सकता है, और नहीं है क्वेश्चन में कुछ नहीं, ठीक है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कुछ नहीं है, मात्र आपको चार स्टेप याद रखने हैं। पहले स्टेप में देखना है कि जिस भी वैल्यू पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है उस पर फंक्शन परिभाषित है कि नहीं, अगले स्टेप में आपको उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है, अगले तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करनी है, और चौथे स्टेप में राइट हैंड लिमिट प्राप्त करनी है। यदि फंक्शन की वैल्यू एक्स बराबर उस दी गई लिमिट पर और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपस में बराबर होती है तो फलन कंटिन्यूअस माना जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बस यही काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे यहाँ पर, अभी बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर एट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर एट में ये बोला जा रहा है कि जो फंक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, फलन एफ एक्स इक्वल टू, ये देखिए फलन परिभाषित है आपका यहाँ पर दिया गया है मॉड एक्स और बटे में एक्स, यदि यदि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ज़ीरो यदि एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अगर यहाँ पर इसको आप पढ़ो तो देखिए एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो जब नहीं है, यानी जीरो से कम और जीरो से ज़्यादा के लिए फलन आपका ये है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है तब आपकी फलन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब हमें एक्स बराबर जीरो के लिए संतत की जाँच करनी है, यानी एक्स बराबर जीरो पर यहाँ पर देखा जाए तो एफ जीरो यानी फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी जीरो दी गई, एक्स बराबर जीरो पर फलन की वैल्यू कितनी दी गई जीरो दी गई। यहाँ पर देखें अगर तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आप जो निकालोगे तो एक्स टेंड टू जीरो माइनस लिमिट से ऊपर यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाओगे, इसका मतलब जो भी लिमिट उसके उससे हल्की कम वैल्यू पर हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब फंक्शन यहाँ पर देखा जाए, देखिए ध्यान से, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस, यहाँ पर देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करेंगे तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर मॉड एक्स है और मॉड एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेस देन के लिए क्या होता है माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर आपका है देखिए मॉड एक्स पहले लिख दीजिए बटे में एक्स,
अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नहीं, लेस देन के लिए मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स के बराबर होती है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस मॉड एक्स आपका हो जाएगा माइनस एक्स के बराबर और बटे में एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो आपको माइनस का एक मिल जाएगा। इसी प्रकार आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस और ये आपका हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही रहेगा, बस चेंजेस क्या होगा इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर मॉड एक्स है, राइट हैंड लिमिट के मतलब लिमिट से ग्रेटर, और लिमिट से ग्रेटर के लिए देखिए दोनों के लिए फंक्शन यही है आपका, पहली बात तो ये। और राइट हैंड लिमिट के लिए यानी एक्स से ग्रेटर लिमिट के लिए हम मॉड एक्स की वैल्यू को प्लस एक्स से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस और ये आपका हो जाएगा एक्स बटे में एक्स, यानी मॉड एक्स की वैल्यू एक्स रखेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो वन मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो एफ जीरो की वैल्यू प्राप्त की और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त की और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त की, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है भाई, बराबर नहीं है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है भाई, असतत है। क्या है फलन भाई, असतत यानी डिसकंटिन्यूअस है। बताइए बात समझ आए कि नहीं, तो ये आपका x बराबर जीरो ऐसा बिंदु है जिस पर ये फलन असतत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखना कितना मजा आएगा, इसी तरीके कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, बस आप सभी को पूरी बात समझ में आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, एक फलन जो है आपको परिभाषित दिया गया है। देखिए कैसे ये परिभाषित है फलन, ये परिभाषित है आपका, यहाँ पर दिया गया है x अपान में मॉड x, और उसके बाद दिया गया है कि यदि x लेस देन जीरो, कितना दिया गया x लेस देन जीरो और माइनस वन, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, x लेस देन जीरो यानी जीरो से कम वैल्यू पर आपका फंक्शन ये रहेगा, और अगर जीरो से कम वैल्यू पर ये फंक्शन रहेगा तो मॉड x की वैल्यू कितनी रखोगे आप, माइनस x रखोगे। उसके बाद x ग्रेटर देन यानी जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए यहाँ पर वैल्यू दे रखी है माइनस वन, और x बराबर जीरो के लिए भी आपको फंक्शन की वैल्यू माइनस वन दे रखी है। तो आप यहाँ पर देखिए जीरो पर ब्रेक हो रही बात, इसका मतलब हमें x बराबर जीरो पर क्या करना है भाई, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो x बराबर जीरो पर आपका फंक्शन एफ एक्स देखा जाए तो x बराबर जीरो पर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी भाई, माइनस एक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए अब इसको याद करके ऐसे भी लिख सकते हो, एफ किस पर चेक कर रहे हो, एक्स बराबर जीरो पर, तो एफ जीरो की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू, लिमिट आपकी जीरो है, जीरो माइनस, फंक्शन कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ध्यान दीजिएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपका ये है भाई एक्स अपान में मॉड एक्स। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट से लेस के लिए मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, माइनस एक्स होगी, मॉड एक्स की परिभाषा से। ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस, ये आपका हो जाएगा एक्स अपान में माइनस एक्स, इसको कैंसिल आउट कर लोगे ये माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं मिला इसलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं पुट करते हैं। यहाँ पर आगे देखिए राइट हैंड लिमिट, ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस और फलन यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस पर, यानी जीरो से हल्की बड़ी वैल्यू पर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए आपकी वैल्यू कितनी भाई, माइनस वन है। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, इसका मतलब इसका मान माइनस एक के बराबर। आप देख सकते हो कि जो एफ जीरो की वैल्यू निकाली है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली है, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली है, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या आ रही भाई, सेम आ रही, इसका मतलब फलन क्या होगा भाई, सतत होगा। किस बिंदु पर, एक्स बराबर जीरो पर फलन हमारा सतत है। बताइए है कोई क्वेश्चन एकदम, बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन एकदम हलवा है। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और मजा आ रहा होगा कंटिन्यूटी में, अब आप सभी को डर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फलन एफ एक्स जो है वो आपका निम्न प्रकार से परिभाषित है। यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस वन, यदि फलन का मान x प्लस वन होगा यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, और फलन का मान x स्क्वायर प्लस वन होगा, कंडीशन दी गई है यदि x लेस देन वन, लेस देन वन। यहाँ पर देखा जाए तो मैंने पढ़ा तो ब्रेक कहाँ पर बात हो रही, वन पर, यानी x बराबर वन पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर वन पर, आप x बराबर वन पर देखिए फलन कितना होगा, जब x 1 के बराबर है तो आप देख सकते हो x इक्वल टू 1 यहाँ पर है कि नहीं, तो फलन कितना है आपका x प्लस 1 है। जब आप यहाँ x के स्थान पर 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। हमने पहले
एक्स बराबर वन पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त कर ली। अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू। एक्स बराबर वन पर चेक करना, तो ये वन माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू वन माइनस, और देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मतलब एक्स की वैल्यू लेस होनी चाहिए वन से। एक्स जब लेस है वन से तो आप देख सकते हो फलन कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे ही एक्स के स्थान पर वन पुट करोगे वन का स्क्वायर वन प्लस वन यानी कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करोगे। राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर लिखोगे लिमिट एक्स टेन टू वन प्लस और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स लिखोगे, ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू वन प्लस। अब एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो वन से ग्रेटर होनी चाहिए यानी वन से हल्की बड़ी होनी चाहिए, तो ग्रेटर के चिन्ह यहाँ पर लगा तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा भाई एक्स प्लस वन। जैसे वन यहाँ एक्स के स्थान पर पुट करोगे वन प्लस वन बराबर टू हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जो फलन की वैल्यू आई है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, इसलिए फलन क्या होगा एक्स बराबर एक पर भाई सतत है। कैसा है भाई सतत है, बताइए आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स बराबर वन पर फलन आपका सतत है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो फलन है वो निम्न प्रकार से परिभाषित है। कैसे परिभाषित है ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब माइनस थ्री और कंडीशन दी गई है यदि यदि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू है और उसके बाद फलन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू है भाई, ऐसा एक फलन परिभाषित है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर परिभाषा कहाँ पर ब्रेक हो रही है, तो परिभाषा x बराबर दो पर ब्रेक हो रही है। x बराबर दो का मतलब यहाँ पर x बराबर दो है, x लेस देन दो है, x ग्रेटर देन दो है, इसका मतलब x बराबर दो पर ही आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे x बराबर दो पर, x बराबर जब दो है यहाँ पर देख सकते हो इक्वल टू का चिन्ह लगा है, तो फलन क्या है आपका, तो फलन एफ एक्स बराबर आपका है एक्स क्यूब माइनस का थ्री। जब आप यहाँ पर x के स्थान पर दो पुट करोगे तो ये हो जाएगा दो का क्यूब माइनस तीन यानी आठ माइनस तीन, दो का क्यूब आठ, आठ से तीन जाएगा आपका हो जाएगा पाँच। फिर आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेन टू, x टेन टू लिमिट आपकी टू है तो टू माइनस और फलन एफ एक्स लिखोगे, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेन टू टू माइनस फलन एफ एक्स। x की वैल्यू जब 2 से लेस है तो लेस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर लेस है, x की वैल्यू लेस देन 2 है तो फलन कितना है आपका x क्यूब माइनस का 3। जैसे यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब माइनस का 3 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5। फिर आप क्या करोगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू 2 प्लस और फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। लिमिट x टेन टू 2 प्लस और फंक्शन देखिए यानी x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो तब फंक्शन यहाँ पर क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे यहाँ पर आप x के स्थान पर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी आपका हो जाएगा 5। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू निकाली है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली है और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली है, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, इसका मतलब फलन क्या भाई संतत है। x बराबर 2 पर फलन क्या भाई संतत है, बताइए आ रहा है ना मजा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अब आप तरीका जान गए हो, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला जा रहा है कि एक फलन है जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, एक्स की पावर टेन, एक्स की पावर टेन माइनस वन यदि यदि एक्स लेस देन इक्वल टू वन है और एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है यदि एक्स ग्रेटर देन वन है, ठीक है। बताइए ये क्वेश्चन आप सभी लोग लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप बताइए कि यह फलन जो है एक्स बराबर वन पर सतत है या असतत है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, तभी मुझे लगेगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को समझ पाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर ये जो 12 है ये आपका एच डब्ल्यू है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि फलन सतत है या असतत है। अगर असतत है तो किस बिंदु पर असतत है, असतत होगा तो एक्स बराबर वन पर ही असतत होगा, ठीक, सतत या असतत बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि क्या फलन, क्या बोला जा रहा है कि क्या फलन, जो फलन है वो निम्न प्रकार से परिभाषित है, एक्स प्लस फाइव दिया गया है यदि एक्स लेस देन इक्वल टू वन
और बोला जा रहा है कि फलन x माइनस फाइव होगा यदि x ग्रेटर देन वन होगा। ये इस प्रकार फलन आपका परिभाषित है, आप बताइए क्या ये फलन सतत है, ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, वही पुराना काम, यहाँ पर देख रहे हो कि x लेस देन वन इक्वल टू भी है, यानी x बराबर वन पर भी फलन है, x लेस देन वन पर भी है, x ग्रेटर देन वन पर भी है, यानी x बराबर वन पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे x बराबर वन पर, x बराबर वन पर फलन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू वन पर फलन है आपका x प्लस फाइव, और जैसे ही x के स्थान पर वन पुट करोगे यानी x बराबर वन पर फलन की वैल्यू प्राप्त करोगे, वन प्लस फाइव बराबर आपका कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अगले स्टेप में आप लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेन टू, यहाँ पर देखिए लिमिट वन है वन माइनस और फंक्शन एफ एक्स है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप देखिएगा भाई फंक्शन कितना हो जाएगा, वन माइनस फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन वन वाला फंक्शन देखिए यहाँ पर x प्लस फाइव है, जैसे ही आप वन पुट करोगे वन प्लस फाइव बराबर कितना हो जाएगा भाई, सिक्स हो जाएगा। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, अगले स्टेप में आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट प्राप्त करोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए लिखोगे लिमिट x टेन टू, लिमिट कितनी है वन, तो वन प्लस लिखोगे और फंक्शन एफ एक्स लिखोगे, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेन टू वन प्लस। फंक्शन देखिए वन प्लस का मतलब एक्स की वैल्यू जो है वन से ग्रेटर हो, तो वन से ग्रेटर होने के लिए फंक्शन आपका दिया गया है एक्स माइनस फाइव, जैसे ही आप एक्स के स्थान पर वन पुट करोगे वन माइनस फाइव हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा माइनस फोर। आप देख सकते हो कि मैंने एक्स बराबर वन पर जो फलन की वैल्यू प्राप्त की यानी एफ वन की वैल्यू जो निकाली वो सिक्स आई, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली वो भी सिक्स आई, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकाली तो हमारी माइनस फोर आई, जो कि इसके बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो फलन होगा वो क्या है, एक्स बराबर वन पर सतत नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं असतत है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फलन एक्स बराबर वन पर सतत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम लीव करेंगे भाई, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि आपको सीख रहे हैं और हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्कूल फ्रेंड्स को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम का बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।